हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाते हैं बहुत ही मशहूर ब्लैक पाव भाजी विद मसाला पाव। तो चले हम अपना इंग्रेडिएंट्स देख लें। ब्लैक पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इतना बड़ा गोभी लिया है मैंने, आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से सब्जियां ले सकते हैं। एक गाजर लिया है मीडियम आकार का, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और मीडियम साइज के मैंने 4 आलू लिए हैं। तो सबसे पहले हमें आलूओं को छीलकर, गाजर को छीलकर, गोभी को साफ कर और छोटे टुकड़ों में काटकर मैं इसे कुकर में या इस तरह किसी भी तरह से उबाल लेती हूँ। जब तक हमारी सब्जियां उबल रही हैं तब तक हम अपना दूसरा स्टेप कर लेते हैं। तो मैंने एक बड़ा शिमला मिर्च लिया है, 2 मीडियम आकार के प्याज, 2 बड़े टमाटर, 15 से 20 लहसुन की कलियां, 2 इंच के लगभग अदरक। तो अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट बना लूंगी और शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को, इन तीनों को मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। सूखे मसालों में मैंने इस स्पून से 2 स्पून मैंने खड़ा धनिया लिया हुआ है और इसी स्पून से 1 स्पून मैंने जीरा लिया है और यही स्पून से मैंने सौंफ, काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना तीखा खाना है आपको, मैंने 2 स्पून लिया है और ये शाहजीरा है। जीरा और शाहजीरा में थोड़ा फर्क होता है, तो मैंने 1 स्पून मैंने शाहजीरा लिया है, 1 स्पून मैंने शाहजीरा लिया है और 6 फूल मैंने लवंग के लिए हैं, 2 तेजपत्ता है और 1 स्पून मैंने ये दगड़ फूल है, इस प्रकार का एक पत्ती आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसे कोई भी सब्जी में डाले तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं डाले नहीं तो सब्जी कड़वी हो जाती है। और मैंने इसी स्पून से 2-3 स्पून मैंने सूखा नारियल लिया है मैंने, तो इसे भी हम अलग से काला करेंगे तवे पे, वो मैं बाद में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें इन सभी मसालों को सूखा ही बिना तेल के रोस्ट करना है जब तक कि धुआं नहीं निकल जाता। तो अपना पैन मैं गरम कर लेती हूँ। पैन हमारा गरम हो चुका है तो सबसे पहले हम खड़ी धनिया इसमें डाल देते हैं। खड़ी धनिया के बाद हम सौंफ, जीरा, काली मिर्च, लवंग और शाहजीरा, तेजपत्ता और ये दगड़ फूल, यह सभी डालकर हम धीरे धीरे धीमी आंच पर इसे हल्के हल्के भूनेंगे जब तक कि इसका रंग थोड़ा काला नहीं हो जाता। हमारा मसाला भून रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसे हमें थोड़ा सा काला करना है, धुआं उठने लगा है लेकिन थोड़ा सा और इसे हमें काला करना है क्योंकि हमारे ब्लैक पाव भाजी में इसी से कलर आएगा, तो इसे हम थोड़ा सा और भून लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से अब भून चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसी तवे पे हम अपना नारियल भी, सूखा नारियल भी, जब तक कि इसका रंग काला नहीं हो जाता, तेज आंच पर हम इसे भी भून लेते हैं। हमने अच्छी तरह से नारियल को भून लिया है, आप देख रहे होंगे कि धुएं भी निकल रहे हैं और ये थोड़ा थोड़ा काला भी हो गया है। इसे आप सीधा गैस के ऊपर भी बिना काटे भून सकते थे लेकिन मैंने काट लिया था तो मैंने तवे पर ही इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसे ठंडा कर मिक्सी जार में मसालों के साथ में पीस लेते हैं। सब्जियों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, मटर को मैंने छीलकर साइड में रख लिया है, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है और जो सूखे मसाले मैंने भूनकर
इसे भी मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया है। तो चले हम अपना पाव भाजी बना लेते हैं। अभी पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम एक बड़ा स्पून हम ऑयल के डाल रहे हैं, जिससे कि हमारा मक्खन जले नहीं, और दो टेबलस्पून हम मक्खन डालेंगे। यह सब्ज़ी हम मक्खन में बना रहे हैं क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे हम पिघाल देते हैं। मक्खन भी हमारा पिघल गया है, तो सबसे पहले हम इसमें कटे हुए प्याज को डाल देते हैं। और इसे हम हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। इसे लाल नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा पकाना है। हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अब इस स्टेज पे हम अपना शिमला मिर्च डाल देते हैं। और इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। दो मिनट हो चुके हैं, हमारा शिमला मिर्च भी थोड़ा नरम हो चुका है, तो हम अपना छीला हुआ मटर इसमें डाल देते हैं। आप मटर को उबाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत नरम था इसलिए, और पाव भाजी में मटर सभी को पसंद आता है जब ऊपर ऊपर दिखता है, इसलिए मैंने इसे उबाला नहीं है। अब हमारा मटर भी भून चुका है, अब इस स्टेज पे हम अपना अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी हम 2 मिनट तक भून लेते हैं। अदरक लहसुन हमारा भून चुका है, अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। इसे आप डालें या ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा येल्लो आता है तो सब्जियाँ अच्छी दिखती हैं, इसलिए मैं डाल रही हूँ, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम टमाटर को डाल देते हैं। और हम टमाटर को मिक्स करके इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे कि टमाटर हमारा अच्छे से सब्जियों में मिल जाए और थोड़ा सा टमाटर भी गल जाए। 5 मिनट हो चुका है, तो अपना ढक्कन हम खोल लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से सब्जियां हमारी गल चुकी हैं और तेल भी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हम अपना भुना हुआ काला मसाला डालते हैं। इसे काला मसाला भी कहा जाता है, यह रेडीमेड बाज़ार में भी मिलता है, लेकिन इसे हमने घर में बनाया हुआ है। आप मार्केट में जाओगे और कहोगे कि काला मसाला चाहिए, महाराष्ट्रियन लोग बहुत यूज़ करते हैं इसे, तो आपको वो मिल जाएगा। तो इसमें हम 4 टेबलस्पून डाल रहे हैं, 2, 3 और 4। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे भी हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला भी भून चुका होगा, तो हम खोलकर देख लेते हैं। देखिए, तेल छोड़ चुका है और हमारी सारी सब्जियां मटर को छोड़कर सब मैश हो चुकी हैं। अब इसमें हम जो सब्जियां हमने उबाली थी उसे हम मैश करेंगे, मैशर की सहायता से इस तरह से, और फिर हम सब्जियों में डालेंगे। उबली सब्जियों को मैंने मैश कर लिया है, अब इसे हम इसी सब्जी में डाल देते हैं।
डालकर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। सब्जी हमारी गाढ़ी है तो हम इसमें जो मैंने उबालकर सब्जियों को उबाला था तो उसमें पानी बचा हुआ था उसे मैंने साइड में निकाल कर रख लिया है, तो उसे मैं इसमें अभी डाल देती हूँ। सब्जी हमारी गाढ़ी लग रही है तो जिस पानी में मैंने सब्जी को उबाला था फूलगोभी गाजर और आलू को, तो वो कटोरी में मैंने पानी निकाल के रख लिया था तो वही मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अगर भाजी में पानी नहीं है तो आप एक्स्ट्रा पानी भी, सादा पानी भी डाल सकते हैं इसमें। तो जितना आपको पतला चाहिए आपको सब्जी भाजी, तो उस हिसाब से आप पानी डालें। मुझे लग रहा है पूरा डाल देना चाहिए। सब्जी का देखिए हमारा भाजी इस फॉर्म में है। आप इसे मैशर से और भी मसल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। तो एक बड़ा स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। और एक बड़ा चम्मच मैं इसमें अमचूर के पाउडर डाल रही हूँ, अमचूर का पाउडर। यदि आपके पास ना हो तो नींबू का रस भी डाला जा सकता है। आप चाहे तो मैशर की सहायता से थोड़ी सब्जियों को आप मैश कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा मटर भी मैश हो जाएगा और जो सब्जियां थोड़ी हमारी खड़ी दिख रही हैं वो भी मैश हो जाएगा। हमारा ब्लैक भाजी रेडी है। अब हम इसे साइड में करके पाव की तैयारी कर लेते हैं। पाव भाजी खाने के लिए मैंने एक दूसरे तरीके का पाव लिया है। आप साधारण सा जो पाव भाजी के साथ खाते हैं वह पाव भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये पाव ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसे ले लिया है। तो इसे मैं, बहुत बड़ा है ये, तो इसे मैं चार पीस में इसे काटती हूँ इस तरह से। ये भी बहुत बड़ा है, इसका भी मैं दो टुकड़ा कर रही हूँ। और इसके बीच का पार्ट हम धीरे धीरे खोल देंगे क्योंकि इसमें हमें मक्खन लगाना है और सेकना है। हम बना रहे हैं मसाला पाव। इस तरह से ये देखिए बहुत अच्छी तरह से खुल गया है। बहुत ही सॉफ्ट पाव है इसलिए मैंने इसका यूज किया है। अब इसे हम मक्खन में सेकते हैं। एक बड़ा स्पून हम तवे पे मक्खन डाल रहे हैं और इसे हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और बाकी का मक्खन हम धीरे से उठा लेते हैं। और ये जो पाव है हमारा उसे हम इस तरह से उल्टा तवे पे रख देंगे। तवे पे रखने के बाद हम इसे उल्टा कर देंगे जिससे सारा मक्खन इसमें हम लगा चुके हैं। अब थोड़ा मक्खन लेके हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। मक्खन हमारा ऊपर भी लग चुका है। अब थोड़ा सा मक्खन हम डालकर जो मैंने मसाला तैयार किया था उसे मैंने इतना बचाकर रख लिया है उसे मैं इस मक्खन में डाल रही हूँ। और ढेर सारा हरा धनिया और तेज आंच पे हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे जब तक हमारा पाव क्रिस्पी हो रहा है नीचे की साइड। अब इस हरे धनिया को हम एक स्पून की सहायता लेकर इसे हम इसमें भरेंगे और बाकी का
हरा धनिया हम इस पर लगा देते हैं। ये रहा हमारा ब्लैक पाव भाजी के साथ में खाने वाला मसाला पाव। तो बाकी के भी मैं इसी तरह तैयार कर लेती हूँ। हमारी ब्लैक पाव भाजी मसाला पाव के साथ में रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। इसमें जो काली मिर्च का तीखापन है और जो नारियल को हमने भूनकर जो पीसा है और जो सौंफ है और जो खड़ा गरम मसाला है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप घर में बनाएंगे तो पड़ोसियाँ ज़रूर पूछेंगे कि आपके घर में क्या बना है। तो हमारी पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनी है। यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।